बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर आज अहम बैठक हो सकती है। इस बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएल संतोष शामिल हो सकते हैं। बीजेपी की इस बैठक में एनडीए सरकार गठन में सहयोगियों में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, बस इसी फॉर्मूले के ऊपर चर्चा की जा सकती है। तो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, नई सरकार के गठन के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास के ऊपर आज अहम बैठक होने जा रही है और किस तरह से जितने भी सहयोगी दल हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी डिमांड अब रख रहे हैं, कैसे पूरा एनडीए कुनबा एकजुट रहे और कैसे जो सहयोगी दल हैं उनके अंदर सामंजस्य बिठाया जाए, उनकी डिमांड भी पूरी की जाए, उन्हें मनाया भी जाए, वो कौन सा फॉर्मूला निकले, बस इसी के ऊपर चर्चा होनी है। तो दिल्ली में बीजेपी नेताओं की आज अहम बैठक है, जेपी नड्डा के आवास के ऊपर ये बैठक करनी की जानी है। न्यूज 18 इंडिया के अमित पांडे मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित, कितने बजे बैठक की शुरुआत होगी? देखिए, संभावित समय 10:30 से 11 बजे के बीच में इस बैठक का है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वरिष्ठ नेता है जो लगातार 3 दिन से जिनसे मुलाकात का सिलसिला है वो आज भी मिले और कुल मिलाकर जो समन्वय है पार्टी में और सरकार में और खास सहयोगी दल में कैसे इसको पुख्ता रूप से आगे ले जाया जाए, इस पर ये अहम चर्चा होगी। और बैठक में कौन कौन शामिल रहने वाला है, इसे लेकर भी कोई अपडेट है क्या अमित? देखिए, पार्टी के वरिष्ठ नेता जो संगठन से जुड़े हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि वह सहयोगी दल से बात करें, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष हैं, जिसमें राजनाथ सिंह जी हैं, जिसमें गृह मंत्री हैं, तो इन लोगों के आने की संभावना है और कुछ ही देर में यह बैठक शुरू हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 10:30 और 11 बजे के बीच में ये बैठक शुरू हो सकती है, जैसा अमित पांडे ने बताया। मतलब समय अब बहुत कम बचा रह गया है, आधे पौना घंटे के भीतर ये जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी और इस बैठक के अंदर जो असल मंथन किया जाना है वो यही है कि किस तरह से सहयोगी दलों को एकजुट रखा जाए।